नमस्ते, मेरा नाम है सत्यम श्रीवास्तव आर्य और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सच्चा धर्म में, जहाँ पर हम लाइफस्टाइल और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें करते हैं और मैं आपको लगातार जागरूक और अवेयर बनाता रहता हूँ। हमने अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है, ऐसी कहानियों के बारे में सुना है जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में एकदम से देवी या कोई भूत जिन जिन्नात चढ़ गया और एकदम से उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ और वो एकदम से हिंसक सा हो गया, या जब किसी के अंदर भूत चढ़ता है तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, वो अपने आपा खो बैठता है और लोगों को मारने पीटने तक लगता है। कि अक्सर जगरातों में या फिर मजारों में औरतें ऐसे सर हिला हिला के बाल आगे करके ऐसे ऐसे घूमा करती। आपने भी कभी ना कभी ऐसी चीज सुनी होंगी, देखी होंगी, अनुभव भी की होंगी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी ऐसी चीजें कभी ना कभी तो हुई जरूर होंगी। ये बहुत कॉमन है। ये सिर्फ किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, हर जगह होता है ऐसा, और सिर्फ ये गांव तक सीमित नहीं, शहरों में भी होता है। तो ये भूत प्रेत जिन जिन्नात परी परी, क्या ये सब रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं या ये लोग सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, जिनकी अभी आप लोगों ने वीडियो देखी। यदि मुझसे पूछोगे ऐसा सारांश इस वीडियो का, तो वो लोग ढोंग नहीं कर रहे, ना ही वो पाखंड कर रहे हैं, ये सच है। पर यदि दूसरी चीज आप मुझसे पूछोगे क्या वाकई जिन जिन्नात देवी पितर ये सब के एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करते। अब मैं दोनों बातों से एग्री हो रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि यदि जिन जिन्नात एग्जिस्ट नहीं करते तो इनमें चढ़ कैसे रहे हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे, क्योंकि जब हम चीज कोई कहानी से समझते हैं वो जल्दी समझ में आती है। तो 2011 में एक मूवी आई थी अपरिचित द स्ट्रेंजर नाम से, उस कहानी से इस चीज को बहुत आराम से समझा जा सकता है। अपरिचित द स्ट्रेंजर, इस मूवी में एक हीरो है जिसका मेन कैरेक्टर है, इसका नाम रामानुजम भी है, जो कि नॉर्मल सी लाइफ जीता है। वो वकील है पेशे से और पंडिताई करता है और एकदम साधारण जीवन जीता है, पर वो लोगों की जो ना क्या एकदम मक्कारी है, जो लोग लापरवाही करते हैं या लापरवाही के कारण दूसरों को कष्ट देते हैं, अपने फायदे के कारण दूसरों का शोषण करते हैं, ऐसे लोगों से वो बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे लोग सड़क में खड़े होकर बाथरूम कर देते हैं या घूस लेते हैं या लोगों को परेशान करने के लिए गलत चीजें करते हैं, अपनी सेवाएं ढंग से नहीं देते, जितना वो चार्ज कर रहे हैं उस हिसाब से वो मूल की वस्तु या सेवाएं नहीं देते, ऐसे लोगों के रवैये से बहुत ज्यादा परेशान है। और वो कंप्लेन लोगों की करता पर कुछ होता नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट रहता है इन सब चीजों से, बहुत ज्यादा। साथ ही साथ वो एक महिला से प्रेम भी करता है, बचपन से प्रेम करता है, पर वो महिला उसको घास नहीं डालती क्योंकि उसको एक कूल डूड बंदा पसंद है, उसे कूल डूड टाइप के लोग पसंद है, उसे चाहिए कि जिस जो भी उसका हस्बैंड बने या जो भी उसका बॉयफ्रेंड बने वो कूल किस्म का हो, जीन्स पहने, इंग्लिश बोले, बाइक वाइक तेज चलाए। 2011 की बात है, अब तो ये सब चीज नॉर्मल है, ठीक है। तो एक दिन हम भी अपने ऑफिस जा रहा होता, वो रोड पे देखता है कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो चुका होता, खून बह रहा, वो मरने ही वाला है। वो लोगों को रोकने की कोशिश करता है, वहां पर लोग झुंड बनाए खड़े होते, पर कोई भी उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा होता है, लोग फोटो वोटो खींच रहे होते, तो वो गाड़ियां रोकने की कोशिश करता है, एम्बुलेंस बुलाता, कुछ नहीं होता है। अंत में एक गाड़ी रुकती है, पर गाड़ी वाला कहता है मेरी सीट का कवर खराब हो जाएगा, इसे कौन से ले जाओ उसे कहीं ऑटो वाटो में, और वो गाड़ी लेके भाग जाता है। तो अमित से बहुत ज्यादा हर्ट होता है, वो किसी तरह ऑटो में ले जाता है उस आदमी को, फिर भी वो आदमी मर जाता है। तो जब वो घर आता तो वो सोचता है क्या एक गाड़ी का कवर एक इंसान की जान से ज्यादा कीमती है क्या। ये सब सोचते सोचते उसको एक ईमेल आता है, उस ईमेल को ओपन करता है तो एक वेबसाइट पहुंचता है अपरिचित.com में। तो वहां पर वो देखता है कि एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ, जो लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, दूसरों को शोषण कर रहे हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं, उनके बारे में बताएं, उनका हम हिसाब करेंगे गरुड़ पुराण के हिसाब से। तो वो उस बंदे का जिसने गाड़ी नहीं रोकी थी उसका गाड़ी का नंबर डाल देता है। अब 2 दिन बाद उसको खबर पता चलती न्यूज़पेपर में, जिसका उसने गाड़ी का नंबर डाला था, जिस बंदे ने गाड़ी नहीं रोकी थी,
उसका किसी ने गुफा में ले जाके सांड से कुछ लगा के मार दिया है, उसका इंसाफ हो चुका है। तो अम्बी बॉस खुश होता है कि अरे यार चलो इंसाफ हुआ, जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड फाइनली, बहुत खुश होता था। इस तरह वो धीमे धीमे मैसेज करता रहता है, जहां वो देखता है कि भाई ये बंदा गलत है, ये घूस ले रहा है, वो बंदा सही से सेवाएं नहीं दे रहा, उसने पैसे खा रखे हैं, सबका धीमे धीमे वो डालता रहता है नोट इन्फॉर्मेशन, और लोगों का हिसाब होता जाता है, यानी वो लोग निपटते चले जाते हैं। अब इसी बीच नंदिनी एक फैशन शो में जाती है, जहां पर उसको एक बंदा दिखता है रेमो नाम का मॉडल, जो कि सेम वैसा ही जैसा नंदिनी को चाहिए, कूल है, एकदम इंग्लिश बोलता है, और नंदिनी पहली बार देख के उसको अपना दिल दे बैठती है, दोनों में प्रेम संबंध बन जाते हैं और दोनों आराम से प्रेम करने लगते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि अम्बी, जो कि नंदिनी के मोहल्ले वाला आस पड़ोस का है और सेम जात के हैं ये लोग, दोनों ब्राह्मण हैं, तो ये दोनों जाते हैं इनकम टैक्स फाइल करने, क्योंकि जो अम्बी है वो एक लॉयर है, तो उसको लगा कि शायद जल्दी हो जाएगा, तो उसको पकड़ के ले जाती है नंदिनी। तो नंदिनी जब वहां पर केस फाइल कर रही होती है, मतलब इनकम टैक्स फाइल कर रही होती है, देखती है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, जल्दी करने के लिए 400 रुपये घूस देनी होगी, तो वो घूस देने लगती है। तो अम्बी कहता है रुक जाओ, आई एम अ लॉयर, और ये सब चीज करना गलत है, घूस मत दो, डोंट ट्राई। पर नंदिनी नहीं मानती, घूस देती है अम्बी को बार बार मना करने पर, वो अम्बी को भगा देती है कि मुझे लगा तुम्हारे चक्कर से काम सरल हो जाएगा, तुम साला यहाँ पर चुतिया पे अलग कर रहे हो, भग जाओ यहां से, तो भगा देती है। तो अब अम्बी बहुत अपसेट होता है। अब वो क्या करता है, कंप्यूटर में डाल जाकर नंदिनी की भी रिपोर्ट दे देता कि नंदिनी घूस ली है। दूसरे दिन क्या होता है कि नंदिनी और रैमो, जो कि उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है ऑलरेडी, वो लोग अपने फ्लैट पे चिल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब एकदम से रैमो को झटके लगते हैं, स्क्रीन पे देख ही रहे होगे। अब जब झटके लगते हैं तो वो बंदा एकदम से बेहोश होता, फिर एकदम से खड़ा हो जाता है, और अब उसके अंदर की हाव भाव ही चेंज हो गए हैं। अब वो नंदिनी को मारने के लिए दौड़ता है, नंदी का जी तुम्हें क्या हो गया, फिर एकदम से रेमो भारत, रेमो कहता भाग जाओ नंदी, भाग जाओ, तुम्हें मार डालेगा। कौन मार डालेगा, फ्लैट में तो कोई है ही नहीं। अब रेमो के अंदर से एकदम झटके लगते, उसको भूत से चढ़ते एकदम से। अब वो जो भूत चढ़ा हुआ है, जो जिसका नाम अपरिचित था, वो उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। नंदिनी भागती है सीढ़ियों से, भाग के रोड में भागने लगती है, अपरिचित उसके पीछे भाग रहा होता है, मतलब जिस रेमो के ऊपर जो भूत चढ़ गया था वो पीछे भाग रहा होता है ये दोनों। तो अब नंदिनी एक ताइक्वांडो के एकेडमी में घुस जाती है, जहां पर लोग चार पांच सौ लोग कर रहे होते हैं। अब उनसे मदद मांगती है, तो उनके जो टीचर हैं वो नंदिनी को प्रोटेक्ट करते हैं, कहते हैं अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, डरने की बात नहीं, अपुन देख लेगा। अपरिचित ही भागता भागता आता है, वहां चार पांच सौ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वही ताइक्वांडो अकेडमी के मार्शल आर्टिस्ट। अब इकट्ठा हो जाना, और दोनों दोनों गुटों में फाइट होती है, यानी अपरिचित 400 लोगों से लड़ता है और जीत जाता है। और वो नंदिनी को जब वो मारने ही ले जा रहा होता है, तो नंदिनी तेज चिल्लाती बचाओ, तो एकदम से अपरिचित नंदिनी निपु सॉरी नंदिनी, अब जो ये बंदा बना है ना, ये अंबी है, अपना हीरो वही रेमो है और वही अपरिचित है, समझ में आया। तो उसी के अंदर अपरिचित का ही भूत है, उसी के अंदर रेमो का ही भूत है। अब नंदिनी क्या करती है, इसको उठाती है अम्बी को, जो पहले अपरिचित था उसके पहले रेमो था, उसको उठाती है और मनोवैज्ञानिक के पास ले जाती है। मनोवैज्ञानिक उसको हिप्नोटाइज करते हैं, और पता चलता है कि अम्बी के अंदर रेमो का भूत है, साथ साथ अपरिचित का भूत है। तो जब रेमो का भूत बाहर आता है, जब वो सक्रिय होता है, तो उसे पूछा जाता है हिप्नोटिज्म के जरिए, तुम यहां क्या कर रहे हो, तो अम्बी है ना, तो कहता अम्बी चूतिया है, बचपन से प्यार करता है नंदिनी से, पर बोल ही नहीं पा रहा है, तभी तो मैं बाहर आया हूँ, जैसा नंदिनी को चाहिए एक मॉडल टाइप का बंदा, एक इंग्लिश बोलने वाला, वैसा तो हूं मैं, आई लव नंदिनी। फिर वो और हिप्नोटाइज करता, तो पता चलता है कि जो अम्बी है, अम्बी जब बताता है कि अरे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कि जब मुझे मैं कुछ देखता हूँ, किसी को लापरवाही करते हुए, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आती है अंदर से, पर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, और एकदम से आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है, और जब मैं उठता हूँ तो देखता हूँ किसी और कपड़ों में कहीं और पड़ा हुआ हूँ।
अब जब हिप्नोटिज्म के द्वारा जब खोली जाती है उसकी मेमोरी, क्यों हो रहा है, मतलब जब जाया जाता है उसके पिछले यादों में, तब पता चलता है अम्मी के 15 साल पहले एक बहन हुआ करती थी जो कि लोगों की लापरवाही के कारण बचपन में मर गई, छोटी सी बहन 8-10 साल की, लोगों के बचपन के कारण मर गई और अम्मी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाप वकील भी थे पर भी किसी को सजा नहीं मिल पाई क्योंकि सब सरकारी पेशे के थे और बहुत लोगों की लापरवाही के चक्कर से वो मरी थी, तो किसी को सजा नहीं मिली और हम भी कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही वो समाज में लोगों को देखता चला आ रहा है कि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसके मन में बहुत ज्यादा गिल्ट बैठा हुआ है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा और इस कारण से वो डिप्रेशन के अंदर है। इसी चक्कर से अपरचित नाम की पर्सनैलिटी उसके अंदर से बाहर आई जो लोगों को सजा दे रही थी। अपरचित एकदम अलग ही पर्सनैलिटी है। अब जब रेमो और अपरिचित से पूछा था क्या तुम अम्मी को जानते हो, कहते हाँ हम जानते हैं, ये बहुत ज्यादा मजबूर इंसान है, कुछ नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, तभी हम लोग को बाहर आना पड़ा, पर अम्बी को उस बारे में कुछ नहीं पता था। समझ में कुछ कुछ फिल्म समझ में आई थोड़ी थोड़ी। अब इसको रियल लाइफ में लिंक करते देखिए, जो भूत चढ़ने वाली जो घटना है, जिन जिन्ना देवी पिता चढ़ने वाली जो घटना है, ये ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है। 100 लोगों पर यदि भूत चढ़ रहे हैं तो उनमें से 80 महिलाएं होंगी, 12-13 बच्चे होंगे और बाकी पुरुष होंगे। पुरुषों में सबसे कम होता है, बच्चे और महिलाओं पे होता है। क्यों? भारतीय समाज में देखिए महिलाओं को शुरू से बहुत शोषण होता रहा, भारतीय समाज में नहीं सारे समाजों में, चाहे वो पल्लू ढकने के नाम पर हो, चाहे वो मर्यादाओं संस्कारों के नाम पर हो, चाहे वो बुर्का पहनने के नाम पर हो, जबरदस्ती महिलाओं को कैद किया जाता है। महिलाओं को आज के दिन अपने बाल सवारने तक की आजादी दें, वो क्या हेयर स्टाइल कैरी करेंगी, किस तरह के कपड़े पहनेंगी, क्या खाना खाएंगी, किससे बात करेंगी, कौन उनके दोस्त होंगे, वो कहाँ बैठेंगी, ये सब परिवार के बड़े तय करते हैं, ये सब परिवार के पुरुष तय करते हैं। जब किसी इंसान को बेसिक राइट्स ही नहीं होंगे, बेसिक जो राइट होते हैं ना, बेसिक राइट ही उसके पास नहीं, तो उसका क्या सोचते हो, क्या वो अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएगी, उसकी इच्छाएं कहां जाएंगी, वो सब उसके अंदर ही दब जाती है। बचपन वो अपने बाप के नाम से जानी जाती है, भाई के दमन भाई के नाम से जानी जाती है, जब बड़ी होती है तो अपने पुरुष के नाम से जानी जाती है और कुछ टाइम बाद अपने बच्चों के नाम से जानी जाती है, उसके खुद की आइडेंटिटी तो है ही नहीं। समझ में आई बात? तो स्टार्टिंग से ही औरतों का बहुत ज्यादा शोषण होता है, बहुत ज्यादा, और ये सारी तकलीफें सारे दुख दर्द उनके अंदर ही घुसे रहते हैं कि वो बता ही नहीं पाती, लोग पूछने वाले हैं ही नहीं उनके पास, कौन पूछता है, सास ससुर पूछते हैं, माँ बाप पूछते हैं, नहीं पूछते, बचपन से उसको शोषण होता जाता है। शहरों में तो फिर भी महिलाओं की हालत थोड़ी बहुत ठीक है, पर गांव में तो पूरी तरह शोषण है, किसी के साथ भी बांध देंगे गाय की तरह, जैसे कोई जानवर हो, तो सब चीजें कैसे निकलेंगी बाहर? तो सब चीजें माता देवी भूत पितर जिन जिन्नात इन सबका रूप लेके बाहर निकलती, क्योंकि ये सब जो फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है वो एक नई पर्सनालिटी के रूप लेती है, और ये पर्सनालिटी कब बाहर आएगी, जब उसको उपयुक्त टाइम लगेगा, और उपयुक्त टाइम जैसे कोई औरत है उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, ऊपर से वो नॉर्मल लग रही है, सब कुछ साफ है, सब कुछ ठीक है, पर अंदर ही अवचेतन मन के रूप अवचेतन मन के सब बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। ये जो अम्बी था ये भी बहुत शांत आदमी था, पर इसके अंदर कितनी ज्यादा गड़बड़ी थी, कितने लोगों की हत्याएं कर डाली अपरचित, वो फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, खतरनाक फिल्म है एकदम। तो इसी तरह औरतों के साथ भी होता है, जब नवरात्रि जागरण वगैरह होते हैं तो उनके अंदर से पर्सनालिटी बाहर आती है, उनको पता है कि यदि देवी जी बाहर आएंगी, उन्हें देखा है समाज में, ऐसी स्टोरी सुनी है, जब देवी किसी औरत के ऊपर सवार होती है तो लोग उसके सर माथे हो जाते हैं, जो कल सास ससुर पति जो उसको कल मुही करके कहा करते थे, उसको आलसी कहा करते थे, वो आज उसके कदमों में अपने सर रख के प्रणाम करते हैं, उसके मन की चीजें आती हैं, यही तो चाहती थी वो, उस पर्सनैलिटी ने उसके लिए वही तो पूरा किया, उस देवी जो भी उसके अंदर से निकला वही तो उसने पूरा किया। और कभी कभी जब परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती है, महिला के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुए होते हैं, उसको बेसिक सम्मान तक नहीं मिलता, तब वो कभी कभी अपने आप को भी हानि पहुंचाती है, अपने हाथ पांव भी काटती है, अपना सर भी दीवार पर मारती है, मगर वो झूठ नहीं है, इसमें कोई पाखंड नहीं है कि वो झूठ बोल रही है, वो झूठ है ही नहीं, वो सिर्फ उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल, उसका रिलैक्सेशन बाहर निकल रहे हैं, वो रिलैक्स करना चाहती है अपने आप को अंदर से, इसलिए वो सब बाहर आया, मगर वो अभी वो अपने आपे में नहीं है। तो अभी ये सोचे कि वो जानबूझ कर तो आपे में है ही नहीं, उसको वो तो कोई और ही इंसान है, जिसे आप जानते हो तो छुप चुका है, वो सो चुका है,
अब इसको सॉल्यूशन क्या है इन सब चीजों का, उसको हम अलग वीडियो में जानेंगे। बच्चों में क्यों चढ़ते हैं ये सब चीजें, उसको भी अलग वीडियो में जानेंगे। इसका परमानेंट सॉल्यूशन सामाजिक तौर पे क्या हो सकता है, उसको हम जानेंगे। देखिए सम कंट्रीज जहां पर देवी पितर भूत जिन जिन्नात इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां कहीं नहीं कोई आत्मा अब देवी आती। क्या वो उनके बच्चे नहीं है? क्या भूत पिशाच उनके पास नहीं जा सकते? क्या वो लोग अभी मरे नहीं? उनकी सभ्यता अभी तो हजारों साल चल रही है, उनके ऊपर क्यों नहीं भूत आते? क्योंकि वहां की औरतें आजाद हैं, वहां के पुरुष बच्चे आजाद हैं अपने चॉइसेस लेने के लिए, इसलिए इनके ऊपर कोई भूत नहीं चढ़ता। पर यहां ऐसा नहीं है। और चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।